आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रेस ब्रीफिंग में। मेरे साथ में ज्वाइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोजिस साहब भी हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो हम सब के लिए बड़े खुशी की और गर्व की बात है कि हम पहली बार लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स करने जा रहे हैं। ये लद्दाख में पहली बार कोई नेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है जिसमें लगभग 1200 के करीब इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे गेम्स होंगे उसमें लगभग 600 के करीब इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हम सब के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लद्दाख को शोकेस करें नेशनल लेवल के ऊपर, जो न सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में बाकी विंटर टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हम अपने टूरिज्म को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। ये जो गेम इस साल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनमें जो लोगो है वो भी उसमें भी लद्दाख के काफ़ी कंपोनेंट है, जैसे माउंटेन्स को दिखाया गया है, इसके अलावा हमारे आइस हॉकी को दिखाया गया है, उसके अलावा शांति स्तूपा है और जो बुद्धिस्ट कुछ और भी इसमें जो लोकल लद्दाख को लेकर जो भी चीज़ें वो सब दिखाई गई हैं। इसके साथ में जो मैस्कॉट है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी गेम्स का मैस्कॉट उसका मेन सोल होता है। तो मैस्कॉट में स्नो लेपर्ड को इसमें मैस्कॉट चूज़ किया गया दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और अगर वैसे भी बात की जाए तो जो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन है वो लद्दाख में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, तो ये उसको भी हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो लेपर्ड, ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसको लेके काफ़ी तैयारियाँ की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें ऑनरेबल एडवाइज़र उसके चेयरमैन हैं और बाकी जितने भी सेक्रेटरीज हैं, तो उसको लेके काफ़ी उसमें मीटिंग्स की गई हैं, इंस्पेक्शन टूर किए गए हैं। ये तीन लोकेशन पे हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे, जिसमें पहला लोकेशन NDS आइस हॉकी रिंग है, दूसरा गोपुक्स रिंग और तीसरा लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का आइस हॉकी रिंग। तो इन तीनों में आइस हॉकी मैचेस भी होंगे मैन और वीमेन, और उसके साथ में आइस स्केटिंग शॉर्ट्स ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में की जाएंगी। और हम एज ए डिपार्टमेंट और एज ए यूटी लद्दाख और एज ए लद्दाखी हम सबको मिलकर इन गेम्स को सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि हम लद्दाख का एक अच्छा नाम पूरे देश में हम कर सकें और लद्दाख को एक नेशनल मैप के ऊपर हम लेके आ सकें, जिससे कि लद्दाख के बारे में सबको पता हो। जो भी प्लेयर यहाँ से वापस जाएँ वो न सिर्फ एज ए प्लेयर वापस आएँ बल्कि एक लद्दाख के फैन होकर वापस जाएँ। तो खेलने को लेके मैं यही आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा अगर कोई भी जो बाकी डिटेल्स हैं डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ने पिछले सालों में क्या काम किया, तो उसको लेके मोजेस साहब इसमें डिटेल में बताएंगे, इसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी चीज़ें। थैंक यू सर। ओवरऑल जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसके जो कुछ हमने जो पिछले साल या दो साल में हमने जो भी प्रोग्राम किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एलोकेशन की बात करें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस साल हमारे पास 88.66 लाख का इस साल का बजट है जो ऑन गोइंग है, और जो हमारे 19 नए वर्क्स हैं उनके भी 110 करोड़ है। तो ये तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके बाद जो हम अलग अलग टूर्नामेंट्स करते हैं उसमें हमारे 5 करोड़ है, और इसी तरह हम इक्विपमेंट जो हमने लाए हैं वो 8.40 करोड़ का लास्ट ईयर लाया था और इस साल 2.5 करोड़ का है। और इसके अलावा जो हम डेपुटेशन भेजते हैं प्लेयर्स को नेशनल और इंटरनेशनल में, उसका भी हम डिटेल बताएंगे। कुछ अचीवमेंट बताना चाहूँगा जो हमने स्टेट में हमारे जो प्लेयर्स ने लाए हैं। एक तो रिसेंटली हमें स्टेट अवार्ड में दो कैटेगरी में दो लोगों को हमें स्टेट अवार्ड मिला है, एक पद्मा छरोल और एक शहनाज प्रवीण। इसके साथ ही हमारे विलायत अली ने 67 नेशनल स्कूल गेम्स में सिल्वर लिया है। इसके साथ शहनाज प्रवीण ने और टशी टुंडुप ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चंगडू में जो हुआ था उनमें पार्टिसिपेट किया है। और आइस हॉकी टीम जो है पिछले साल इंडिया ओशनिक जो था उसमें हम सेमीफाइनल पहुँचे हैं। तो इसके अलावा जो हमने अपने डिपार्टमेंट का जो कुछ किया है, जो एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमने 219 PETs को हमने रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा है NIS में, और इसके अलावा जो हमने इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स किए हैं जैसे अलीगढ़ स्कूल में, फिर CEC आर्चरी कप, जो क्लाइमेट कप किया है, और इक्विपमेंट में हमने आइस हॉकी का इक्विपमेंट लाया है, आर्चरी, माउंटेनियरिंग,
और फुटबॉल स्नो स्की वेट लिफ्टिंग और इनलाइन रोलर्स की स्पीड स्केटिंग ये सारे इक्विपमेंट भी हमने परचेज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसमें मैं और भी ऐड करूंगा, इसमें हमारे जो लद्दाख आईएसओ की टीम है वो अभी काजा में जो नेशनल्स हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारी टीम ने पहली बार 15 साल में उसमें चैंपियन बनी। उन्होंने इंडियन आर्मी की टीम को भी हराया और लद्दाख जो ITPP है उसको भी हराया। तो ये दिखाता है कि हमारी जो टीम्स है वो काफ़ी मतलब अब नेशनल लेवल पे भी और काफ़ी अच्छा परिणाम लेके आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से जो भी हमारे गेम्स होंगे हमारे बच्चों को अगर अच्छा मौका मिलेगा तो हम और भी इन चीज़ों को हम आगे कर पाएंगे। तो हमारी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है प्लेयर्स को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो, ट्रेनिंग्स की बात हो या बाहर टूर्नामेंट में जाने की बात हो, तो उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसी में मैं ये भी ऐड करूंगा कि हमारे 5 छोटे खेलो इंडिया सेंटर अभी चल रहे हैं लद्दाख में और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो यूटी लेवल का होगा जिसमें हर स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटीज होंगी उसमें और उसमें न्यूट्रिशन कोच भी होंगे, स्ट्रेंथनिंग कोच भी होंगे और बाकी जितने भी हमारे प्रोफेशनल सपोर्ट है वो पूरा हमें मिलेगा। तो वो भी एस्टेब्लिश होने जा रहा है, मुझे लगता है कि हम समर से उसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो अपनी तरफ से लद्दाख में हमने काफ़ी कोशिश की है CSR सपोर्ट लेने के लिए, तो रॉयल इनफील्ड ने हमें आइस हॉकी में सपोर्ट किया जिसको लेके हम 2042 ओलंपिक्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ में फुटबॉल एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स है लद्दाख में, तो उसको लेके अभी हमारे पास में J&K बैंक से हमें कन्फर्मेशन आया कि J&K बैंक एक फुटबॉल अकेडमी एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हमारे जो प्लेयर्स को वो आगे जॉब्स में भी हेल्प करेंगे जिससे कि जो भी अच्छे प्लेयर होंगे, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है। इसी तरह हम आइस हॉकी को भी हम अकेडमी के सूरत में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि जो भी गेम्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं वो बेनिफिट उठा सकें, और क्योंकि हमें स्पोर्ट्समैन को एज ए कंपटीशन के अलावा हमें ये भी देखना है कि जो स्पोर्ट्समैन होगा वो एक अच्छा फिट अगर होगा तो वो लाइफ में भी मतलब अच्छा काम करता है, तो सोसाइटी के लिए यही मतलब सबके लिए फ़ायदा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह हम कमिटेड हैं जो भी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसको लेके, और जो भी इसमें आप लोगों का भी कोई इनपुट होगा वो भी हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे। सर, नेशनल लेवल के गेम्स के चलते किस तरह की फैसिलिटीज अपग्रेड किया है? नेशनल लेवल गेम्स को लेके हमारी स्ट्रेटजी ये है कि एक तो जो यूटी लेवल पे जो भी फैसिलिटीज हो हमारी, चाहे वो एथलेटिक्स की हो चाहे आइस हॉकी की हो, तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि वहाँ हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं चाहे एथलेटिक्स के हो फुटबॉल के हो, वो हम यूटी लेवल के ऊपर हमें एस्टेब्लिश कर सकें। उसके साथ में जो सब डिवीज़न है वहाँ पर भी हम जैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट सेचुरेट हो जाएगा उसके बाद में हम सब डिवीजन्स के ऊपर भी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ को डेवलप करेंगे, और ख़ासतौर से जो बच्चे रिमोट एरियाज के हैं उनको हम कैसे मतलब पूल में लेके आ सकें, उनको कैसे हम ट्रेन कर सकें, उसके ऊपर हमारा काफ़ी फोकस है जिससे कि बाहर के जो भी रिमोट एरियाज के बच्चे वो यहाँ के ट्रेन कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, इस साल हमने 361 हमने एथलीट्स को बाहर नेशनल के लिए भेजे हैं और 24 डिसिप्लिन इसी साल ही है, तो हम मतलब बच्चों को एनकरेज भी करते हैं कि बाहर टूर्नामेंट नेशनल्स में पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा आंकड़े बताता है कि 361 एथलीट्स को हमने स्पॉन्सर करके पार्टिसिपेट किए हैं और 24 डिसिप्लिन में। सर, खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा एक आयोजन है लद्दाख के लिए और इस चीज़ को लेके सभी बातचीत भी कर रहे हैं, जिस तरह से लद्दाख में पहले इतना बड़ा कुछ हुआ ही नहीं था आज, तो हम ये भी समझते हैं साथ ही में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके अभी भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी ग्रीवेंसेस काफ़ी देखे गए, स्पेशली अभी हाल ही में कारगिल में जैसे कंप्लेंट्स आए थे आइस हॉकी रिंक को लेके। तो इस तरह से सर कितना और तेज़ी से जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नेशनल गेम्स जहाँ कंडक्ट हो रहे हैं वो बाहर से भी बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स आप इन्वाइट कर रहे हैं, तो ओवरऑल किस तरह के और आगे डेवलपमेंट्स देखे जाएंगे सर? इसमें मैं ये कहूँगा कि लद्दाख में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था यूटी बनने से पहले वो काफ़ी कम था हमारे पास में, जब से यूटी का निर्माण हुआ है तब से मैं कहूँगा कि एक तो जैसे हमारा इंडोर स्टेडियम ये कंप्लीट हो गया, इसी तरह आउटडोर जो फुटबॉल ट्रैक वो भी कंप्लीट हुआ है, करगिल में भी हमारा सिंथेटिक ट्रैक कंप्लीट हुआ है, इसके अलावा करगिल में भी इंडोर जो फैसिलिटी उसके ऊपर काम स्टार्ट होने वाला है, और आइस हॉकी का भी काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, चाहे वो क्लाइमेटिकल चैलेंजेस हों या डिस्टेंस के हों या सीजन के हिसाब से काम ना हो, तो थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है जो प्लेन्स में जो काम होता है उस हिसाब से, लेकिन हमारा फोकस यही है कि हम जो जहाँ तक मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कि अगले एक साल में हम जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको हम कम्प्लीट कर पाएंगे
उसके बाद में हम नए काम अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेंडिंग वर्क्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्लेयर्स को फायदा नहीं होगा। हमारा फोकस यही है कि एक तो क्वालिटी मेंटेन और दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम डेवलप कर पाएं, तो उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है और एसोसिएशन है जितनी, उनसे भी हम फीडबैक लेते रहते हैं। लेकिन हमारी तरफ से पूरा मेहनत है कि हम इसी तरह जो सामने जो हमारा NDS है इसमें भी लैंडस्केपिंग का काम, पार्किंग का काम या क्रिकेट का भी है इसमें, तो वो सारा काम भी इस साल में शुरू हो जाएगा। अभी उसका टेंडर भी अलॉट हो चुका है, वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है वो हमारे इस साल कंप्लीट हो जाएंगे सारे, कारगिल में भी और ले में भी वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक और ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें भी बाकी फैसिलिटीज भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश है कि हम पेस को बढ़ा सकें जितना भी डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इस साल मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको काफ़ी फैसिलिटीज इस साल हमें हम दे पाएंगे। सर, रिसेंटली कारगिल में आइस हॉकी प्लेयर्स ने वर्ल्ड प्लेइंग सरफेस को लेकर कंसर्न दिखाया है, गवर्नमेंट इसे कैसे एड्रेस करेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो इंसिडेंट कारगिल में हुआ है वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसको बिना प्रॉपर तैयारी के मतलब डिपार्टमेंट ने उसमें जो भी गेम स्टार्ट किया तो वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, हम लोकेशन को चेंज कर सकते, चाहे हम द्रास में करें या पशकुम में करें, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक लापरवाही की है इन्होंने, तो उसको हम डिपार्टमेंटली हम इंक्वायर कर रहे हैं उस चीज़ को और उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जब तक हमारे पास में इंडोर फैसिलिटी नहीं होंगी हम आउटडोर पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में 24/7 आइस हॉकी रिंग्स को हम कंप्लीट कर सकें। ले का भी हमारा टेंडर अभी मतलब हमने किया हुआ है, वो भी मुझे उम्मीद है कि अगले एक दो महीने में हम काम स्टार्ट कर पाएंगे उसमें। इसी तरह हम कारगिल में भी जल्दी हम आइस हॉकी रिंग इंडोर बनाएंगे, तभी जाके हम इन्वायरमेंट का जो चैलेंज है उसको दूर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये कारगिल वाला जो है ना, जो अभी हमने सरफेस जो तैयार किया वो मतलब टेम्पररी किया था, क्योंकि हमारा जो मेन स्टेडियम है उसका सिर्फ छत लगना था, वो हमें इस साल कॉन्ट्रैक्टर दे नहीं पाया। सो अगले साल तो मतलब अप्रैल मई में ही तैयार हो जाएगा एक तो वो रिंग। जो दूसरा आपका जो एयरपोर्ट के सामने है उसका छत लग गया है, पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें चिलिंग प्लांट लगाना, उसका हम टेंडर कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ हमने मतलब इस साल वो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया, तो इसलिए हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इसके बावजूद हम द्रास में भी हमने एक्सप्लोर किया है और हमने ये क्या कहते हैं आपके पशकुम में भी हम जाके देखे, लेकिन आइस फॉर्म नहीं हुआ इस साल, मतलब मुश्किल हो गया था। तो ये वन टाइम है, इसके बाद कोई ऐसा कंटेंट नहीं आएगा। सर, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे बच्चे अभी स्कोप बहुत अच्छा है, खेलो इंडिया हो रहा है और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गुपुक्स एक ऐसा जगह है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ है, और हाल ही में बसगो नीमो वाले में ऐसे कोई इंसिडेंट आए जहाँ बंद करना पड़ा क्योंकि रिस्क था। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि एक 365 डेज जहाँ प्रैक्टिस कर पाए, तो ऐसा क्या इनिशिएटिव है सर? ये काफ़ी पुराना डिमांड है लद्दाख में कि इंडोर आइस हॉकी रिंग हो, तो इसका हमने काफ़ी मेहनत की है इसमें, क्योंकि इसमें छत का काम तो आपको दिख रहा है कि छत का काम इसमें चल रहा है। इसके अलावा जो मेन पार्ट है इसका जो मैकेनिकल चिलिंग है, जिससे कि हम समर में भी हम इस गेम को कर सकें, तो उसके लिए हमने टेंडर किया हुआ, लेकिन लद्दाख में उसका पार्टिसिपेशन कम है तो उसको हमने दोबारा भी किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे उस इश्यू को, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट को लगभग अगले 6 महीने में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो उसके बाद में प्लेयर्स समर में प्रैक्टिस करेंगे, दिन में भी रात में भी, तो उससे फिर काफ़ी प्लेयर्स को हेल्प मिलेगा।